जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम पत्र लेखन से संबंधित यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पत्र लेखन से संबंधित जो प्रश्न आते हैं परीक्षा में, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इनसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो विद्यार्थियों पर नहीं बनते हैं। उनसे संबंधित हम कुछ यहाँ पर प्रश्न देखेंगे सबसे पहले, और उन प्रश्नों से जानेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, और उसके बाद कुछ टॉपिक के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद में टॉपिक पढ़ के पूरा, फिर बाद में हम प्रश्नोत्तरी रखेंगे, वो भी आपको उत्तर जो है उन प्रश्नों के देना है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको पता होगा, अगर आप RPSC फर्स्ट ग्रेड या ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनके सिलेबस में जो है पत्र लेखन है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज के वीडियो में हम पत्र लेखन से संबंधित सबसे पहले हम प्रश्नों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे कि परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वो भी आपको सबसे पहले देखना बहुत जरूरी है। निम्न में से पत्र का कौन सा भेद नहीं है? तो यहाँ पर हमें पत्र का भेद बनाना है। आपने विभिन्न प्रकार के पत्र पढ़े होंगे। यहाँ पर हमें चार विकल्प दिए हैं, बधाई पत्र दिया है, शोक पत्र दिया है, संबंधियों के पत्र दिया है और भोज पत्र दिया है। ठीक है, तो ये चीज आपको बतानी है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भोज पत्र। यहाँ पर बताना हमें कि कौन सा भेद नहीं है, किसका पत्र का भेद नहीं है। तो आपको पता होगा बधाई पत्र होते हैं, शोक पत्र होते हैं, संबंधियों के पत्र होते हैं, लेकिन भोज पत्र नहीं होते। ठीक है, तो उत्तर इसका सही हो जाएगा विकल्प नंबर चार। इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा पत्र का प्रकार नहीं है? हमें यहाँ पर पत्र का प्रकार बताना है कि पत्र का प्रकार नहीं है। आपको पता होगा व्यापारिक पत्र लिखे जाते हैं, है ना, और सरकारी पत्र लिखे जाते हैं, सामाजिक पत्र लिखे जाते हैं, लेकिन समाचार पत्र ये पत्र का प्रकार नहीं होगा। अब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते लोग, समाचार पत्र ये तो ये पत्र का प्रकार नहीं है। ठीक है, है ना। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो विकल्प नंबर दो जो है वो इसका सही जो है उत्तर होगा विकल्प नंबर दो। ठीक है, इसमें आप टिक कर लें। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बिंदु पत्र लेखन की विशेषता नहीं है? अब यहाँ पर पत्र लेखन की विशेषता नहीं है वो बतानी है हमें। देखो, संक्षिप्तता तो पत्र लेखन में होती है, सरलता होती है, प्रभावान्वित होती है ना, कि ऐसा पत्र होना चाहिए कि जो पढ़ने वाला होता है उसको प्रभावित कर दे, तो प्रभावान्वित होती है, लेकिन चरमोत्कर्ष जो है नहीं होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो विकल्प नंबर तीन हो जाएगा, चरमोत्कर्ष। ये पत्र लेखन की विशेषता नहीं होती चरमोत्कर्ष, ये चीज आपको याद रखनी है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। वहां पर आपने इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ा, अब इसमें कंफ्यूज होना निश्चित है, समाचार पत्र इसका सही उत्तर था, है ना, तो कंफ्यूज हो जाते। इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर परीक्षा में पत्र लेखन से पूछे जाते हैं। पुत्र द्वारा पिता को लिखा गया पत्र किस प्रकार का पत्र माना जाता है? तो ये चीज आपको बतानी है। अब व्यावसायिक पत्र है, कार्यालयीन पत्र है, व्यक्तिगत पत्र है, या फिर सांस्कृतिक पत्र है, ये चीज आपको बतानी है। अब ये तो आपको कॉमन सी चीज है कि पुत्र द्वारा पिता को लिखा जा रहा, मतलब ये व्यक्तिगत पत्र होगा। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर जो तीन है वो इसका सही हो जाएगा। बधाई पत्र किस प्रकार का पत्र है, ये चीज हमें बताना है। तो चार विकल्प हमारे सामने मौजूद है, कार्यालयीन, सामाजिक पत्र, सरकारी पत्र, औपचारिक पत्र। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि जो बधाई पत्र है ये सामाजिक पत्र होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रख लेना, पूछा गया है एग्जाम में, है ना, और बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपके लिए है। तो सामाजिक पत्र, बधाई पत्र किस प्रकार का पत्र नहीं है? सामाजिक पत्र नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों हम कुछ पत्र लेखन के बारे में जानेंगे कि पत्रों के भेद कितने हैं, है ना, किन किन भेदों के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं, वो चीज यहाँ पर हम देखने वाले हैं। अभी तो हमने देखा कि परीक्षाओं में पत्रों से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न हमने देख लिए। अब हम थोड़ा सा इसके डिटेल में पढ़ेंगे और इसके बाद फिर प्रश्नोत्तरी हम फिर रखेंगे, तो वो भी आप देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पत्र लेखन से तात्पर्य भाषा के लिखित स्वरूप के माध्यम से भावों विचारों का जो संप्रेषण है वो पत्र लेखन के अंतर्गत आता है। ठीक है, पत्रों के भेद हैं, एक तो औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, इनको आपको याद रखनी है, पत्रों के ये भेद हैं। औपचारिक पत्र की बात करें दोस्तों, तो औपचारिक पत्रों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया, प्रार्थना पत्र, कार्यालयीय पत्र और व्यावसायिक पत्र। ये तीन वर्गों में विभाजित किया गया औपचारिक पत्रों में। औपचारिक पत्र आप समझ गए होंगे,
कि जो औपचारिकता हमें पूर्ण करनी होती है ना, पूरी पद के अनुसार सम्मान के अनुसार जो औपचारिकता होती है उन पत्रों को औपचारिकता कहा जाता है, हम औपचारिकता पूर्ण करते हैं। अब प्रार्थना पत्र की बात करें तो जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है, तो ये प्रार्थना पत्र कहलाएंगे। कार्यालय पत्र की बात करें तो जो पत्र कार्यालय कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वे कार्यालय पत्र कहलाते हैं। सरकारी अफसरों के अधिकारियों, स्कूल और कॉलेज के प्रधान अध्यापकों, प्राचार्यों को ये लिखे जाते हैं, तो इस प्रकार से कार्यालय पत्र हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें व्यावसायिक पत्र। व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने तथा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यावसायिक पत्र कहे जाते हैं। तो औपचारिक पत्रों को तीन भागों में बांटा गया, प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र, इनको हमने देखा। और बहुत ही महत्वपूर्ण है व्यावसायिक पत्र और इनके कार्यालय पत्रों के बारे में भी जानेंगे आगे। औपचारिक पत्र लिखते समय इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको ध्यान में रखनी है वो देख लेते हैं। औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के पत्रों में नपी तुली भाषा का प्रयोग होता है, इसमें अनावश्यक बातों, कुशल क्षेम आदि का उल्लेख नहीं किया जाता है। कौन से? औपचारिक पत्रों में। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रभावशाली। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए, ये चीज हमें याद रखनी है अच्छे से। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो जो है कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपने पता के स्थान पर तथा का खागा अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए, तो ये चीज आपको याद रखनी है। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए के साथ मिलाकर लिखें, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जो तथ्य दिए हैं औपचारिक पत्रों के, पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता बनी रहे एक ही पृष्ठ में। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक भी लिखना चाहिए, तो ये चीज आपको याद रखनी है। बात करें अनौपचारिक पत्र, जिसे कि निजी पत्र भी कहा जाता है, अनौपचारिक, जिसमें कोई अनौपचारिकता नहीं होती है। यह पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, ठीक है। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को, जैसे माता, पिता, भाई, सगे संबंधी और मित्रों को उनका हालचाल, निमंत्रण आदि हेतु किया जाता है, तो ये क्या कहलाते हैं? अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में औपचारिकता पूर्ण करनी होती है, अनौपचारिक पत्र निजी होते हैं, ठीक है। तो इसमें अनौपचारिक पत्र में संवेदना पत्र, निमंत्रण पत्र, शुभकामना पत्र, बधाई पत्र, शोक पत्र और संबंधियों के पत्र, ये पत्र आते हैं, तो इनको अपन को याद रखनी नहीं है, ये अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। पूछा जाता है निम्न में से कौन सा अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपको याद रख लेना है संवेदना पत्र, निमंत्रण पत्र, शुभकामना पत्र, बधाई पत्र, शोक पत्र, संबंधियों के पत्र, ये अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। तो ये चीज तो आपको याद ही रख लेना है इन पत्रों के बारे में, ये अनौपचारिक होते हैं, औपचारिक कौन से होते हैं, अनौपचारिक कौन से होते हैं, तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। अच्छे पत्र की विशेषताएं देखें तो अच्छे पत्र की विशेषताएं भी पूछी जाती हैं। पूछ लिया जाता है कि निम्न में से बताइए अच्छे पत्र की विशेषता नहीं है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है या है, इस प्रकार से बन जाता है। तो अच्छे पत्र की विशेषता होती है कि भाषा सरल होनी चाहिए, पत्र की भाषा साधारणतः सदन बोलचाल की होनी चाहिए, शब्दों के प्रयोग में सावधानी होनी चाहिए, उपयोग सटीक, सरल और मधुर हो, सारी बातें सीधे साधे ढंग से स्पष्ट और प्रत्यक्ष लिखनी चाहिए, बातों को घुमा फिरा कर नहीं लिखना चाहिए। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इसकी जो भाषा है वो सरल और स्पष्ट हो। विचारों की सुस्पष्टता, पत्र में लेखक के विचार सुस्पष्ट और सुलझे होना चाहिए, कहीं भी पांडित्य प्रदर्शन की चेष्टा नहीं होनी चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए, दिमाग पर बल देने वाली बातें नहीं लिखनी चाहिए, विचारों की मतलब स्पष्टता होनी चाहिए। संक्षेप और संपूर्णता, पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, वह अपने संपूर्ण और संक्षिप्त हो, ये चीज आपको याद रखनी है। उसमें अतिशयोक्ति, बागजाल, विस्तृत विवरण के स्थान नहीं है। इसके अतिरिक्त पत्र में एक ही बात को बार बार दोहराना क्या है? दोष है। पत्र में मुख्य बातें आरंभ में लिखी जानी चाहिए, सारी बातें एक क्रम में लिखनी चाहिए, इसमें कोई भी आवश्यक तथ्य छूटने ना पाए, पत्र अपने में संपूर्ण हो, अधूरा नहीं, पत्र लेखन का सारा आशय जो है पाठक के दिमाग पर पूरी तरह से बैठ जाना चाहिए, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर भानुमति की बात करें तो पत्र का पूरा असर पढ़ने वाले पर पड़ना चाहिए, आरंभ और अंत में नम्रता और सौहार्द के भाव भी होना चाहिए। तो फिर भानुमति, बाहरी सजावट, पत्र की बाहरी सजावट से हमारा तात्पर्य यह है कि उसका कागज संभवतः अच्छा से अच्छा होना चाहिए, सबसे पहली बात।
लिखावट सुंदर साफ पुष्ट हो, है ना। ब्राह्म आदि चिन्हों का प्रयोग यथास्थान किया जाए। शीर्षक, तिथि, अभिवादन, अनुच्छेद, अंत अपने अपने स्थान पर क्रमानुसार होने चाहिए। पत्र की पंक्तियां जो है सटाकर लिखी जाए। अब देखना यहाँ पर आपको ये चार जो विशेषताएं दी है इनको याद रखनी नहीं है, ठीक है, है ना। ये विशेषताओं को याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन जरूर। विषय वस्तु के अनुपात से पत्र का कागज लंबा चौड़ा होना चाहिए। तो ये चीज आपको याद रखनी है। सबसे पहले क्या कि भाषा सरल होनी चाहिए, विचारों की सुस्पष्टता होनी चाहिए, संक्षेप और संपूर्णता होनी चाहिए, है ना, प्रभावान्वित होनी चाहिए, है ना, और बाहरी सजावट होना चाहिए। ये चीज तो आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। औपचारिक पत्र कौन से हैं, अनौपचारिक पत्र कौन से हैं, वहां से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से तो बनते ही हैं। कार्यालयीन पत्र की बात करें तो कार्यालयीन पत्रों से तात्पर्य ऐसे पत्रों से है जो सरकारी, गैर सरकारी, निजी अथवा व्यवसायिक कार्यालयों द्वारा अपने कामकाज के अनुक्रम में अन्य कार्यालयों या निजी व्यक्तियों को लिखे जाते हैं। मतलब कार्यालयीन पत्र मतलब कार्यालय से संबंध हो जाएंगे, ठीक है। शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, अनुस्मारक पत्र, है ना, शासनादेश पत्र, कार्यालय आदेश, सूचना निर्देश, कार्यालय प्रेस विज्ञप्ति, अनुदेश, संकल्प प्रस्ताव, प्रतिवेदन और अनुज्ञप्ति। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से बताइए कौन सा औपचारिक पत्र है। तो जो अनुस्मारक पत्र होगा, है ना, या अर्धशासकीय पत्र होगा या शासकीय पत्र होगा, ये सभी क्या हो जाएंगे, औपचारिक पत्र हो जाएंगे, है ना। कार्यालयीन पत्र होंगे मतलब ये औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी नहीं है कि औपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है कोई भी एग्जाम, है ना। शासकीय पत्र, वैसे तो शासकीय कार्यालयों द्वारा लिखे जाने वाले सभी पत्र शासकीय पत्र कहे जा सकते हैं, किंतु तकनीकी दृष्टि से शासकीय पत्र शब्द का प्रयोग एक संकुचित अर्थ में होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत शासकीय पत्र से तात्पर्य ऐसे पत्रों से है जो किसी शासकीय कार्यालय द्वारा अन्य शासकीय कार्यालय द्वारा कार्यालय को लिखे जाते हैं। इसमें शासन से ही संबंध किसी नीति जो है निर्णय समस्या आदि का उल्लेख होता है, तो ये शासकीय पत्र हो जाते हैं, ठीक है। बात करें शासकीय पत्रों की विशेषताएं, तो ये अत्यंत औपचारिक होते हैं शासकीय पत्र। इनका एक निश्चित ढांचा होता है, ये तत्परक, संयत, संक्षिप्त होते हैं, भाषा स्पष्ट, सरल और शुद्ध होती है, है ना। निजी विचारों, कल्पनाओं, अलंकारों, मुहावरों, हास्य विनोद आदि के कोई स्थान नहीं होता शासकीय पत्रों में, तो ये चीज आपको याद रख लेनी है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अर्धशासकीय पत्र की बात करें तो इस पत्र, इस प्रकार के, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, अर्धशासकीय इस प्रकार के पत्र का प्रयोग शासकीय अधिकारियों के मध्य पारस्परिक पत्राचार के लिए होता है, ठीक है। अर्धशासकीय पत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है, ये चीज तो आप याद रख लेना। अन्य जो भी पत्र होते हैं वो अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, लेकिन जो अर्धशासकीय पत्र होता है वो उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी नहीं है। यह अनौपचारिक पत्र है, अर्धशासकीय पत्र जो है वो क्या है, अनौपचारिक पत्र है। यह पत्र आत्मीय पत्र शैली में लिखा जाता है, ये चीज भी आपको याद रखना है, आत्मीय पत्र शैली में लिखा जाता है। यह पत्रकार जल्दी करवाने के लिए लिखा जाता है, कार्य को जल्दी करवाने के लिए कौन सा पत्र लिखा जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है, तो अर्धशासकीय पत्र, ठीक है, ऐसे भी आपको याद रख लेना। पूछा जाता है कि उत्तम पुरुष शैली में कौन सा पत्र लिखा जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। भावदीय का प्रयोग नहीं होता और महोदय भी नहीं लिखा जाता इसमें, ठीक है। भावदीय के स्थान पर आपका, शुभेच्छु जैसे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग होता है, कौन से में, अर्ध शासकीय पत्र में, ठीक है। नेक्स्ट देखें, भावदीय के स्थान पर शुभेच्छु हो गया और दिनांक ऊपर बाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है। संबोधन में प्रिय, प्रिय श्री, श्रीयुक्त का प्रयोग होता है, पत्र क्रमांक का प्रयोग नहीं किया जाता। अर्धशासकीय पत्र में प्रेषक का नाम और पद के ऊपर तथा प्रेस्ती का नाम और पद नीचे आता है, ठीक है। प्रेषक मतलब भेजने वाला, प्रेस्ती मतलब पाने वाला, ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। अर्धशासकीय पत्र में निम्न गुण होते हैं, ये चीज आपको बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो व्यक्तिकता होती है ना, अर्धशासकीय पत्र में अपनत्व तो होता है, विनम्रता होती है, अनौपचारिकता होती है, आदेशात्मक, निर्देशात्मक वाक्यों का प्रभाव होता है, इनको याद रख लें। अर्धशासकीय पत्र में आपको ये व्यक्तित्व, अपनत्व, इनको याद रख लेना, ठीक है। जो हम बताते जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आपके लिए, उनको तो आपको याद रख लेना है, कहाँ से पूछ लिया जाए कोई भरोसा नहीं है। परिपत्र की बात करें तो परिपत्र शब्द का अर्थ उसके अंग्रेजी सर्कुलर शब्द से समझा जा सकता है। जो पत्र सर्कुलर किए जाते हैं वे सर्कुलर होते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि परिपत्र
अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इस प्रकार से पूछा जाता है, या परिपत्र अंग्रेजी के किस शब्द से बना है, ऐसे भी इस प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है ना। और बात करें कि इस प्रकार अभी एक क्वेश्चन पूछा गया कि मानक भाषा के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार से पूछा गया था। तो ऐसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन, परिपत्र को अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे पूछ लिए जाते हैं। इस प्रकार जब कोई पत्र एक साथ अनेक प्रेस्तियों को प्रेषित किया जाता है तब वो क्या कहलाता है, परिपत्र कहलाता है। एक साथ कई प्रेस्तियों को प्रेषित किया जा रहा है मतलब वो पत्र क्या कहलाएगा, परिपत्र कहलाएगा, ठीक है। आवश्यकता अनुसार परिपत्र, शासकीय पत्र, ज्ञापन आदि किसी भी स्वरूप में हो सकते हैं किंतु कहलाते हुए क्या है, परिपत्र ही कहलाते हैं। शासकीय पत्र भी हो सकते हैं और अर्धशासकीय भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कहलाएंगे वो परिपत्र जब एक से अनेक व्यक्तियों को प्रेषित किया जा रहा है, मतलब वो क्या हो जाएगा, परिपत्र हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़े देखें कि ये पत्र जो है चारों ओर भेजे जाते हैं, इसे घुमक्कड़ या गश्ती पत्र भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है कि घुमक्कड़ या गश्ती पत्र किसे कहा जाता है, तो वो अर्धशासकीय पत्र है, उसे घुमक्कड़ या गश्ती पत्र कहा जाता है, ठीक है। इसमें भौदी के नीचे हस्ताक्षर करके कोष्टक में नाम लिखा जाता है, इसके बाद नीचे पदनाम लिखा जाता है, तो इनको आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगला देखें अनुस्मारक, जब अधीनस्थ कार्यालय कर्मचारी पूर्व में भेजे गए पत्रों पर निश्चित समयावधि में कार्यवाही नहीं करता तब उसे स्मरण कराने के लिए अनुस्मारक भेजे जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है ना, अर्ध सरकारी पत्र अनुस्मारक पत्र यहाँ से तो बनते ही है। अनुस्मारक मूल पत्र की ही शैली में भेजे जाते हैं, ठीक है। शासकीय पत्र के अनुस्मारक शासकीय पत्र के रूप में, अर्धशासकीय के अर्धशासकीय के रूप में, ज्ञापन के रूप में ये होते हैं। प्रारूप की दृष्टि से सबसे छोटा पत्र माना जाता है अनुस्मारक पत्र, ठीक है, याद रख लेना। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि प्रारूप की दृष्टि से, निम्न में से प्रारूप की दृष्टि से सबसे छोटा पत्र कौन सा है, तो वो है अनुस्मारक, इनको भी याद रखें। इसमें महोदय के बाद पूर्व पत्र का हवाला दिया जाता है, तो ये भी आपको याद रख लेना है, पूर्व पत्र का हवाला किस पत्र में दिया जाता है, तो वो अनुस्मारक पत्र में दिया जाता है। एक से अधिक लिखने पर अनुस्मारक वन, अनुस्मारक टू और अनुस्मारक थ्री का प्रयोग होता है, तो इनको आपको याद रख लेना है, ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो परीक्षाओं में आते हैं उनके बारे में देख रहे हैं अपन, कि सबसे पहले बात करें कि घुमक्कड़ गश्ती पत्र कहा जाता है, तो हमने पहले भी पढ़ लिया कि परिपत्र जो होता है वो क्या कहलाता है ना, जो कहलाता है क्या, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो परिपत्र हो जाएगा। घुमक्कड़ या गश्ती पत्र कहा जाता है परिपत्र को, है ना, जो चारों ओर घूमता है वो घुमक्कड़ गश्ती पत्र है, परिपत्र, इनको याद रखें, सर्कुलर, है ना। निम्न में से कौन सा पत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है, अभी ये क्वेश्चन ऐसे बनता है उत्तम पुरुष शैली में, तो जो अर्ध सरकारी पत्र होता है दोस्तों वो उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं पिछली परीक्षा में, वो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं जिससे आपको भी अनुभव हो जाए कि किस प्रकार के पत्र से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। पत्र लेखन में पूर्वापर संबंध से क्या तात्पर्य है, जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर हमें बताना है कि पूर्वापर संबंध से क्या है, क्रम से पत्र लिखना, पत्र में तिथि लिखना, पुराने संबंध बनाए रखना, या पूर्व लिखित पत्रों का संग्रह। अब पूर्वापर संबंध से तात्पर्य यही होगा कि पूर्व लिखित पत्रों का संदर्भ, ठीक है, ये पूर्वापर संबंध होता है, तो प्रकरण नंबर चार जो है इसका सही हो जाएगा। अंतरदेशीय पत्र का उपयोग, अंतरदेशीय जो पत्र होता है इसका उपयोग कहाँ होता है, तो ये चार विकल्प है, चार में से इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतरदेशीय पत्र का। यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं लोग, अंतरदेशीय देश के भीतर पत्र व्यवहार के लिए होता है अंतरदेशीय पत्र का उपयोग, है ना, कंफ्यूज नहीं होना, इस प्रकार से क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, सरकारी पत्रों में सरनाम किसे कहा जाता है, तो सरनामा किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है दोस्तों, शीर्षक को कहा जाता है, याद रख लेना, सरकारी पत्रों में सरनामा कहा जाता है शीर्षक को, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो इनको याद रख लेना अच्छे से। सरकारी पत्रों में प्रेषक के हस्ताक्षर कहाँ होने चाहिए, जी हाँ दोस्तों, ये आपको बताना है कि प्रेषक के जो हस्ताक्षर हैं वो कहाँ होने चाहिए सरकारी पत्रों में, तो इसका सही उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएंगे पत्र के अंत में दाईं ओर, ठीक है। सरकारी पत्रों में प्रेषक के हस्ताक्षर पत्र के अंत में दाईं ओर होते हैं, बगल बगल नंबर एक इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार के पत्र में सेवा में लिखा जाता है, तो सेवा में लिखा जाता है तो कौन से पत्र में लिखा जाता है, औपचारिक पत्र में लिखा जाता है, ठीक है,
लिखा जाता है ना सेवा में श्रीमान, तो ये औपचारिक पत्र होते हैं, है ना। तो इसको याद रखें, विकल्प नंबर दो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है एक आदर्श पत्र लेखन की विशेषताओं में निम्न में से किस बिंदु को नहीं माना जाता। जी हाँ दोस्तों, किस बिंदु को नहीं माना जाता आदर्श पत्र लेखन की विशेषताओं में। तो यहाँ पर चार विकल्प हैं, देखो विचारों की सुस्पष्टता होती है आदर्श पत्र लेखन में, सरल भाषा शैली होती है, पांडित्य प्रदर्शन नहीं होता, पत्र लेखन के अंगों का समावेश तो होता ही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर तीन, पांडित्य प्रदर्शन नहीं होता एक आदर्श पत्र लेखन में, है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। टॉपिक के टॉपिक में हमने पहले भी पढ़ा है कि पत्र लेखन में पांडित्य प्रदर्शन नहीं होता। सामाजिक अनौपचारिक पत्र में अपने से बड़ों के लिए निम्न में से कौन सा निवेदन नहीं उपयोग में लाया जाता। तो अपने से बड़ों में बात करें तो अपने से बड़ों के लिए नहीं लिया जाता, तो कौन सा नहीं लिया जाता, तो कौन सा नहीं लिया जाता। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका साथी। ये अपनों से बड़ों के लिए जो है निवेदन नहीं उपयोग में नहीं लाया जाता, तो आपका साथ इसका विकल्प नंबर दो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, पत्र के अंगों का उचित क्रम बताना है। जो पत्र के जो अंग होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो हम बात करें कि प्रारंभ होगा, फिर संबोधन होगा, फिर कलेवर होगा और फिर अंत होगा। मतलब जो विकल्प नंबर दो है वो सही हो जाएगा, पत्र के ये अंग होगा, उचित क्रम होगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्रारंभ, संबोधन, कलेवर और अंत, तो इसको याद रखें, ठीक है। औपचारिक पत्र को खालिस्तान भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, औपचारिक पत्र जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, व्यावसायिक पत्र कहा जाता है, कार्यालयीन पत्र कहा जाता है, पारिवारिक पत्र कहा जाता है, आपातकालीन पत्र कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर दो, कार्यालयीन पत्र भी कहा जाता है औपचारिक पत्रों को, ठीक है। औपचारिक पत्रों को कार्यालयीन पत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखें, अनौपचारिक पत्र में अपने बराबर वालों को निम्न में से कौन सा संबोधन उपयोग में लाया जाता है। बराबर वालों की बात कर रहे हैं, तो देखो पूज्य तो बड़ों के लिए हो जाए, आदरणीय नहीं होगा, अनुज भी नहीं होगा, तो बराबर वालों के लिए क्या हो जाएगा, प्रिय मित्र। इसका विकल्प नंबर दो जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पत्र लेखन में संबोधन किसे कहा जाता है। तो संबोधन किसे कहा जाता है, तो आशय को नहीं कहा जाता, प्रेषक का पता नहीं, प्राप्त करने के पते को भी नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर चार, प्राप्तकर्ता के प्रति सम्मान या स्नेह को जो है संबोधन कहा जाता है, ठीक है। आपका पत्र मिला से आरंभ होने वाले पत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, यह किसी पूर्व पत्र का उत्तर है, बिल्कुल सही है। आपका पत्र मिला यह किसी पूर्व पत्र का उत्तर है, यह प्रधानाचार्य को लिखा है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। यह मित्र को लिखा जा रहा पत्र नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस प्रकार के पत्र में संदर्भ देना अनिवार्य होता है। संदर्भ देना अनिवार्य होता है, तो कौन से पत्र में, पारिवारिक पत्र में नहीं होता, है ना। नौकरी के लिए आवेदन, इसमें संदर्भ देना जरूरी होता है, इसमें भी नहीं होता और ये भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर दो, इनमें किस प्रकार के पत्र में संदर्भ देना अनिवार्य होता है, तो नौकरी हेतु आवेदन के लिए संदर्भ देना अनिवार्य होता है। तो ये चीज याद रखें दोस्तों, इस प्रकार से पत्र लेखन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने एक आपको बेसिक जानकारी दी, बेसिक नॉलेज दिया कि किस प्रकार के क्वेश्चन पत्र लेखन से आते हैं। जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पत्र लेखन का एक टॉपिक है, उसको आपको पढ़ना है, उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो भी हिंदी साहित्य से संबंधित, हिंदी से संबंधित पेपर होते हैं उनमें पत्र लेखन जरूर पूछा जाता है दोस्तों। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। स्टूडेंट क्या करते हैं कि पत्र लेखन आदि, निबंध लेखन आदि, इन पे ध्यान नहीं देते और इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। बात करें एमपी टेट की, एमपी टेट में जो भी एग्जाम हुआ, वर्ग एक का एग्जाम हुआ या वर्ग दो का, कम से कम तीन से चार, किसी किसी एग्जाम में पांच और छह नंबर तक के पत्र लेखन से क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है, किस प्रकार के पत्र में संलग्न का उल्लेख किया जाता है। इसका तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, सरकारी पत्र में संलग्न का उल्लेख जो है किया जाता है। तो इसका विकल्प नंबर एक सही हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ना है। पत्र लेखन का ये फर्स्ट वीडियो था, फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट भी आपको आएंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, है ना। बहुत सारे टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, आपके लिए उपयोगी वीडियो साबित हुआ होगा निश्चित ही दोस्तों, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों तक इसको जरूर पहुंचाएं दोस्तों, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि प्रश्न आपको कहां तक साबित हुए। आपको एक जानकारी लग जाएगी कि किस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, उस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा
जो पहला पार्ट है वो खत्म होता है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद। और आपको रचनाएं अगर आपके सिलेबस में है तो रचनाओं के मैंने 5 पार्ट डाले हैं, उनका पूरा वीडियो आप देखें। और हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत सारे जो है वीडियो चैनल पर उपलब्ध है उनको देखें, बहुत ही ट्रिकी माध्यम से मैंने बताया है, उन सभी को आपको देखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है।